ऐसा बात हो गया। अब बताइए ये लड़का क्या करेंगे सब, लड़कों का कोई दर्द समझेगा? सुनिए यहाँ पर आपको हम कमेंट दिखाते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट की लड़की बेचारी, मेरा 74 नंबर आए थे, 3 साल से सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी कर रही थी, CBT 2 के मॉक टेस्ट में मेरा 120 में से 100 से 105 नंबर तक स्कोर करने लगी थी, लेकिन आज रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरा पहला पेपर ही नहीं हुआ। ये नौकरी नहीं मांग रही है, ये लड़की 73 नंबर लाई है और इसको केवल इसलिए फेल किया गया है, फेल इसलिए किया गया है क्योंकि इसके साथ बैठाया गया था ग्रेजुएशन वाले लड़कों को, तो ग्रेजुएशन वाले कैसे नहीं निकल जाएंगे आगे। कह रही है कि मैं जिंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं हारी, लेकिन सिस्टम की चालाकी और साजिशों ने पटक पटक कर हरा दिया, जीने से ज्यादा अब मेरे लिए मरना सुलभ हो गया, सभी गुरुजनों से निवेदन है कि मेरे बाद अपने किसी भी शिष्य के साथ इस तरह की साजिश होने ना दे, जय हिंद, खुश रहना मेरे देश के प्यारो। सुसाइड करने का नौबत आ गया है। ये है पूरे रेलवे का, जो काम CBT 2 यानी सेकेंड फेज में करना चाहिए, रेलवे ने अपने फर्स्ट फेज के एग्जाम में ऐसा काम किया है, ये पूरे पृथ्वी पर ऐसा कारनामा भारतीय रेल का RRB ही कर सकता है पूरे पृथ्वी पर, क्योंकि ऐसा विचित्र लोग कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे पृथ्वी पर मिलेंगे, ऐसा काम किया। अभी तो तांडव बाकी है सेकेंड फेज में, सेकेंड फेज में इन्होंने कहा है कि हम स्टेशन मास्टर लेवल का अलग एग्जाम लेंगे, मतलब जो अलग अलग लेवल का अलग एग्जाम देंगे। अब एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ है, उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारा 4 बार एग्जाम लेंगे। अब ये बताइए, मान के चलिए कि उसका एक एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ है तो 4 बार एग्जाम देगा, उसका एक एग्जाम सेंटर बेंगलोर हो गया, अगले दिन उसका एग्जाम सेंटर इलाहाबाद हो गया, अगले दिन गुवाहाटी हो गया, उसके अगले दिन कलकत्ता हो गया, मर जाएगा लड़का एग्जाम देते देते। एक लड़के को 4 जगह एग्जाम देना है, आधा ट्रेन नहीं चल रही है कोरोना के लिए, कहने कहां से एग्जाम दिला देंगे ये लोग। यहाँ पे लड़का सुसाइड कर रहा, हमारे मोदी जी 30 मिनट तक फंस गए थे हाईवे पे, यहाँ पे 30 मिनट तक, हम उनके लिए भी बनाए थे वीडियो बनाए थे, उनके भी बात बताए थे, लेकिन हमारे बच्चे 2019 से फंसे हुए हैं, 3 साल से, 3 साल से फंसे हुए हैं, इनकी जान की कोई अहमियत नहीं है, ये मरे सुसाइड करे बाहर में जाए, 3 साल से जाओ यहाँ पर, ये हो गया हमारे यहाँ का सिस्टम। यहाँ पर RRB से आप कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, रेल मंत्री ही इसमें सबसे ज्यादा कर सकते हैं और रेल मंत्री हम लोग के फेवर में है, इसलिए आप लोग को ट्विटर पे ट्वीट करते रहना है, ट्विटर पे, यहाँ ट्विटर देख लीजिएगा, #RRBCapital में NTPCCapital में #RRBNTPC, यहाँ पर _, यहाँ पे उसके फॉर 1 student 1 result, 1 student जो है वो स्मॉल में है, फिर _ रहेगा एक ठो, यहाँ _, फिर उसमें रहेगा आपका 1 result, एक लड़के का एक ही रिजल्ट होना चाहिए। अच्छा ये बताओ यार, पूरे पृथ्वी को देखो तो ऐसा कौन बोर्ड होगा जो इतना बेवकूफ हो, कौन बोर्ड होगा, और रेलवे वाला खुद समझा रहा है, मतलब पूरा टीचर बेवकूफ है, साल भर पढ़ाया, 3 साल से पढ़ा रहा है, मतलब उसको वो बेवकूफ है, यही लोग समझदार है। तो पहला तो आपको ये ट्वीट करना पड़ेगा ताकि मंत्री जी RRB वालों से पूछे, और RRB वालों से पूछेंगे तो कन्विंस कर देंगे। रीजन क्या है कि अगर ये RRB वाले बोलेंगे ना कि सर गलत हो गया, तो खुद इन्हीं को बोली सुनना पड़ेगा कि क्या किया तुम लोग यहाँ पर, तो आपको नहीं रोकना है। अभी सबसे बड़ी कमजोरी हम आपको बताते हैं RRB की, आप ट्विटर पे जितना बोलेंगे रेल मंत्री RRB वालों को पूछ लेंगे। RRB का कहना है ट्विटर खाली रहना चाहिए, बस याद रखिए बबुआ, ट्विटर खाली नहीं रखने देना है, ये RRB की सबसे बड़ी कमजोरी है, किसी भी डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है। और एक चीज और बताते हैं, सबसे बढ़िया बात, हमारे जो रेल मंत्री साहब अभी के जो हैं अश्विनी वैष्णव साहब, ये नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है, नॉर्मलाइजेशन ये एकदम खिलाफ है, इनका कहना है कि सिंगल रिजल्ट दे, नॉर्मलाइजेशन क्या मतलब होता है। लेकिन देखिए यहाँ कुछ हद तक RRB सही कि नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन किस प्रोसेस से करती है वो लड़कों को ही नहीं बताती है। तो ये फेवरेबल इंसान है, इनका भी कहना है 20 गुना रिजल्ट होना चाहिए। मंत्री जी का, अश्विनी वैष्णव सर का, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन के फेवर में मतलब नहीं है, लड़कों के फेवर में बहुत बहुत हम कम से कम एगो मंत्री तो मिला जो लड़कों की बात सुनने वाला है, एक को तो मिला भैया जो समझता है कि लड़कों की पीड़ा क्या है, दर्द क्या है। यहाँ पर इनको RRB वालों ने समझा दिया है कि सर 20 गुना रिजल्ट देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अरे भैया 20 गुना रिजल्ट में कुछ नहीं होने वाला है, जहां 7.5 लाख लड़के क्वालिफाई हैं, 1 लाख कुछ लाख लड़के और बढ़ जाएंगे, जब आप 1 करोड़ लड़कों का एग्जाम लिए हैं तो 9 लाख लड़कों का भी एग्जाम ले लेंगे, 3.5 लाख लड़के नौकरी नहीं मांग रहे हैं। मंत्री जी आप समझिए, आपको समझाएगा से वो अलग डिजाइन से, सारे लड़कों से कहते हैं एक और ट्वीट करना पड़ेगा आपको, #RailwayMinister, रेलवे का पहला अक्षर कैपिटल में, मिनिस्टर का पहला, सबका इसमें पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, #RailwayMinister _ help us,
हेल्प कैपिटल है, अस का यू कैपिटल है, तो एक चीज इसके लिए इनके लिए भी करना है, ये चाहेंगे तो हो जाएगा, आरआरबी नहीं करने देगी, इनके लिए सबसे बड़ी बात है आरआरबी।